हैशटैग पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाए। मेरा एक सवाल है अध्यक्ष, मेरे साउथ बॉम्बे में एक अंजुमन इस्लाम की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे नाजायज किसी ने कब्जा किया है, वो प्रॉपर्टी अंजुमन इस्लाम को, अध्यक्ष महोदय वो प्रॉपर्टी कलेक्टर की प्रॉपर्टी है जो अंजुमन इस्लाम को ऋण पे मिली हुई है, और एक साल तीन महीने से सिर्फ दो लाइन का जवाब चाहिए कलेक्टर से कि ये प्रॉपर्टी आपकी अंजुमन इस्लाम को दी गई है, दीजिए। एक साल तीन महीना पार्टी कुछ लोग सत्ता में बैठे हुए इस दुरुपयोग करके कलेक्टर पे दबाव डाल करके वो रिपोर्ट नहीं आने दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि ये क्या नाइंसाफी होगी अगर कोई सत्ता में बैठा है और अपनी दबाव से एक रिपोर्ट को रोक देगा जो सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई छिपाएगा। मैं ट्रस्टी हूं अंजुमन इस्लाम का, अंजुमन इस्लाम माइनॉरिटीज का एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, कई 1.25 लाख लोग उसमें पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी कोई भी कब्जा कर लेगा, केस चल रहा है, पुलिस इंतजार कर रही है लेटर का। प्लीज आप मुझे जवाब दीजिए कि उसका जवाब कब तक दिया जाएगा। गलत चीज रिकॉर्ड पे नहीं, मेरे मतदार संघ का इशू है अध्यक्ष महोदय, मेरे मतदार संघ का इशू। अध्यक्ष महोदय, जो अबू आसिम साहब कह रहे हैं वो जगह छोटा सोनापुर कब्रस्तान है, अध्यक्ष महोदय छोटा सोनापुर कब्रस्तान है और वहां पर कब्रस्तान ही रहना चाहिए, वो ईद का मैदान है। अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर ने रिपोर्ट का जवाब देना चाहिए, मगर सदन के अंदर इस तरह से प्रेशर बना के अंजुमन इस्लाम ने और अंजुमन इस्लाम के कुछ लोगों ने ये मामले को बढ़ाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे मांग है कलेक्टर का रिपोर्ट आना चाहिए। अध्यक्ष नवाब भाई, एक मिनट नवाब भाई, नवाब मलिक साहब, एक